सबसे पहले सभी बच्चों को नमन संस्कृत। हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमको किसी ईश देव या श्री गणेश जैसा श्री गणेशाय नमः जैसी तमाम बातें हम लोग बोलते हैं। कोई भी नया कार्य करते हैं तो इस नए सत्र में आज सुश्रुति प्रथम कणिका का पहला अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ पढ़ाने, और जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पढ़ाने की जो स्टाइल होगी, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, गा करके पढ़ाता हूँ, क्लास से पहले जो हमारा संकल्प गाना हुआ, ये सारी चीज़ें होनी है वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग संकल्प गाएंगे, संस्कृत का संकल्प। तो आप सभी लोग भी सामने होते तो मेरे साथ गाते, लेकिन अगर वीडियो को देख के गाना है तो कम से कम मेरे साथ साथ दोहराएंगे। और जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो भी एक बार सुनेंगे, वीडियो को रिवाइज करेंगे, लिख लेंगे, फिर दोबारा गाएंगे। तो सबसे पहले नगरे नगरे करते हैं तो उसका परिणाम हमको अच्छा मिलता है। और निश्चित रूप से एक दिन हमारी विजय होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि चलो परीक्षा का जब टाइम टेबल लिखाया जाता है तब पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं कि रेगुलर वो चाहे आधे घंटे ही एक विषय पढ़ेंगे, 10 मिनट भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें प्रतिदिन हर विषय को 10 ही मिनट पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि परीक्षा के दौरान या जब हमारा एग्जाम होता है तो उस समय हमें एक प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पहले से मैं रोज ऐसे ही चलती रहती है मेरी गाड़ी। तो उसी प्रकार से एक ही है, वही शीर्षक बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को हमेशा यत्न मतलब प्रयत्न करने से, हमेशा थोड़ा थोड़ा कार्य को करने से एव जयत, निश्चित रूप से उसकी जय होती है, जय माने उसकी विजय होती है। अगर आप विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहें इस शीर्षक को, तो यही बताता है कि आप हर विषय को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़ेंगे तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। और जब ये होगा कि परीक्षा कल है और 4 दिन पहले से आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको लाभ उसकी अपेक्षा आधा भी नहीं मिलेगा, और तमाम प्रकार की समस्याएं आपके ऊपर प्रेशर आता रहेगा, परीक्षा में आते प्रश्नों को आप गलत कर देंगे। तो कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी।
तो हम लोग इस शीर्षक को पढ़ेंगे कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य लगातार करते रहना चाहिए, प्रतिदिन करते रहना चाहिए, उसकी मात्रा भले क्यों ना थोड़ी, यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। क्यों आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्यों सर, क्यों आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। हाँ तो लिखा है पुरातन काले नद्या तटे एक आश्रम है आसी, एक लाइन है, पहली लाइन देखिए लिखा है पुरातन काले नद्या तटे एक आश्रम है आसी। पुरातन माने होता है पुराना, पुरातन माने एंशियंट, क्या कहते हैं एंशियंट एज। पुरातन काले का मतलब हुआ कि बहुत ही पुराने समय, पुराने माने ऋषि महर्षि व्यास का समय था, मरीच का समय था, ये सब समय पुरातन। देखिए एक पुराना और एक पुरातन दो बातें होती हैं। पुरातन का मतलब होता है कि बहुत समय पहले, आज से बहुत समय पहले, उस समय क्या होता है नद्या तटे, कोई नदी थी, किसी नदी के तट पर एक है आश्रम है आसी, माने एक क्या था आश्रम। आश्रम आप आश्रम शब्द को सुनकर के आपको आभास हो रहा होगा कि आश्रम में कौन रहता है, ऐसा थोड़ी है कि आश्रम में कोई परिवार रहता है जिसमें माता पिता भाई बहन ये सब रहते हैं, ऐसा नहीं है। आश्रम होगा तो निश्चित रूप से वहाँ कोई परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है जिसको ऋषि बोलते हैं या महर्षि बोलते हैं। तो पुरातन बहुत समय की बात है या एक समय की बात है कि एक नदी के किनारे पर एक आश्रम था। और क्या हुआ तत्र आश्रमे बहवः छात्राः पठन्ति अस्ति, उस आश्रम में बहुत से छात्र पढ़ते थे। अब इस पर मैं आपको थोड़ा सा देखिए पठन्ति शब्द है, क्या लिखा है शब्द आया पठन्ति, क्या आया पठन्ति। अब साथ साथ हम व्याकरण को भी थोड़ा थोड़ा ये जो रूप है पठन्ति ये पठ धातु का है, धातु संस्कृत में आप कहेंगे क्या जैसे छह के बच्चे कुछ नए हैं अंग्रेजी मीडियम से पांच पास करके आए हैं उनको उनके लिए खास करो, धातु का मतलब होता है कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्ब, वर्ब माने क्रिया। तो यहाँ पठन्ति पठ वर्ब पठ धातु इसी वर्ब को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं, तो पठ धातु का रूप है और इसमें क्या है लट लकार है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन, वह प्रथम पुरुष बहुवचन, सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ऐसे साथ साथ हम कुछ व्याकरण से शब्दों इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे आप यस या यस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अर्थ निकलता है वह जाता है वह खाता है वह पीता है, वैसे ही जब हम लट लगा का संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो अर्थ निकलता है कि पढ़ रहा है या पढ़ता है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि तत्र आश्रमे, देखिए तत्र शब्द है क्या आया तत्र, तत्र माने होता है वहां, वहां वहां के लिए अंग्रेजी में क्या है क्या कहते हैं देयर वाज ए किंग। अब देयर वाज ए किंग का गलत है बल्कि ऐसा अर्थ होगा कि एक राजा, लेकिन देयर माने हियर माने यहाँ, देयर माने वहां, तो उसी को संस्कृत में तत्र बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि तत्र आश्रमे बहवः छात्राः पठन्ति, मतलब उस आश्रम में या वहां उस आश्रम में बहुत से छात्र पढ़ते थे। और पुराने समय की बात है जब ऋषि महर्षि होते थे तो उस समय शिक्षा किसी स्कूल जय बजरंग इंटर कॉलेज जैसा या रामावध जैसा या फतेहपुर डिग्री कॉलेज जैसा कॉलेज नहीं रहता था, उस समय शिक्षा के केंद्र के रूप में मठ थे, विहार गुरुकुल थे, यही तीन प्रकार के केंद्र थे जहां पर बच्चों को गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती। तो आश्रम था उसमें गुरु जी थे और वहां बहुत से छात्र क्या करते थे पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ उनको संस्कार भी सिखाया जाता था, उनसे आसपास के गांवों से भिक्षा भी मंगाया जाता था कि जाओ बेटा किसी गांव से तुम लोग थोड़ा थोड़ा चावल दाल आटा मांग के लाओ फिर शाम को बनाओ हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे, ये सब काम भी
बच्चों को करना पड़ता था। आज आप लोगों के लिए क्या करना है कि मम्मी टिफिन भी बना के देती है, कपड़ा धो के भी देती है, स्कूल आने के लिए गाड़ी भी कर देते हैं, फीस भी दे देते हैं, कलम भी खरीद, मतलब सब सिस्टम, सब बफर सिस्टम में है कि कुछ करना नहीं है, खाली आपको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन पुराने समय के बच्चे क्या करते थे कि जब वो गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पर क्या होता था, वहां वो बच्चे गुरु जी का पैर भी दबाते थे, गुरु जी के लिए खाना भी बनाते थे, आस पास के गाँव से क्या करते थे, वो जाके भिक्षा मांग के लाते थे, अन्न मांग के लाते थे, और फिर उसके बाद शाम को बना करके पहले गुरु जी को खिलाते थे, फिर अपने खाते थे। तो मतलब पुराने जो शिक्षा के केंद्र हैं, वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, बड़े छोटों का आदर लिहाज भी सिखाया जाता है, जो आज के वर्तमान समय में बिल्कुल गौरव है। आज पुत्र बड़ा हो गया तो पिता का कोई सम्मान नहीं है, और ऐसा अपवाद रूप में हम ये भी नहीं कह सकते कि है नहीं, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं है जैसा। तो एक ये चीजें हैं, आगे देखिए, तेज छात्रेषु एकर मंद बुद्धे बालकः आसीत्, कह उन सभी, वहां जितने छात्र पढ़ते थे, तेज माने उन और छात्रेषु माने सभी छात्रों में, तो उन सभी छात्रों में एक छात्र कैसा था, मंद बुद्धि बालकः आसीत्, वो कैसा था, मंद बुद्धि वाला बालक था। मंद मतलब कि थोड़ा भाई, सबकी आईक्यू एक जैसी नहीं होती, सब प्रखर बुद्धि के नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के आईक्यू लेवल उनका कम था, तो एक छात्र थोड़ा मंद बुद्धि का, उसको और तस्य बालकस्य नाम वरद राज है किया, उनका नाम क्या था, वरद राज। अब देख लीजिए आप, वरद राज नाम से मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत में महारत हासिल करने का जो श्रेय है वो पाणिनी को मिला, किसको मिला था, महर्षि पाणिनी को मिला, उन्होंने भगवान शंकर के डमरू से 14 ध्वनि निकली थी, और उन्हीं 14 ध्वनियों को लेकर के पूरे संस्कृत विशाल संस्कृत व्याकरण की रचना कर। और ये जो भरतराज थे, इन्होंने क्या लिखा है कि पाणिनी जी की जो कौमुदी है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है, उन्होंने उसी आधार के संस्कृत व्याकरण का एक विशाल ग्रंथ लिखा है। वरदराज संस्कृत के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं, मतलब हैं वर्तमान समय में। आज मैं उनका व्याकरण पढ़ता हूँ, अपनी पढ़ाई जब करता हूँ पीजीटी पीजीटी की, तो इन्हीं का व्याकरण पढ़ते हैं और इसी से हम लोग पेपर देते हैं। तो संजोग बस वरदराज नाम आने से हम परिचय आपको कराए कि एक व्यक्ति ऐसा है इस धरती पर जो अमर बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन उनके पास आज भी अमर है, उनकी पुस्तक आज भी अमर। तो लिखा है तस्य बालकस्य नाम वरदराज है इतिहास, उस बालक का क्या नाम था, वरदराज। और तस्य पितु नाम दुर्गा कनय आसीत, हिज फादर नेम वाज दुर्गा कनय, मतलब उसके पिता का नाम क्या था, दुर्गा कनय। सह दक्षिणात ब्राह्मण आसीत, दक्षिणात का मतलब कि वह दक्षिण भारत के निवासी, वह कहाँ का बालक था, वह दक्षिण भारत का निवासी, मतलब भारत के दक्षिण में वो रहता। और फिर क्या हुआ, तस्य पिता पौरोहित्य कर्म कृत्वा, और उस बालक के पिताजी का देखिए व्यवसाय बता रहे हैं कि तस्य माने उसके, उसके माने उस वरदराजस्य माने उस वरदराज बालक के पिताजी पौरोहित्य कर्म कृत्वा, पुरोहित का कार्य करते थे, पुरोहित किसे कहते, पंडित का, पुरोहित माने पंडित जो कथा वाचते थे, जो कर्मकांड करवाते थे उन्हीं को पुरोहित कहते हैं, तो पुरोहित का कार्य करके और उसकी कथा बांचने से, शादी करवाने से, यज्ञ करवाने से, जो उनको दक्षिणा मिलती थी, जो पैतृव्य मिलता था, स्वजीवन यापनम करोति, उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते थे। वरदराजस्य गुरो नाम भट्टोज दीक्षित आसीत, और इनके गुरु का नाम क्या था, वरदराज जी के गुरु का नाम था भट्टो जी दीक्षित, क्या नाम था, भट्टोज दीक्षित था। बहुत अच्छा, ये जो है वरदराज जी के गुरु, पुनः पुनः गुरुणा पाठितः पाठस्य वरदराजः स्मरणं न कृतवान्, कह रहे हैं पुनः पुनः, पुनः पुनः माने बार बार, बार बार गुरुणा माने गुरु जी के द्वारा पाठित पाठस्य,
पाठ को पढ़ाए जाने पर भी वरदराज को क्या होता था? स्मरणम न कृतवान, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी के बार बार पढ़ाने पर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो मंद बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि माने प्रखर बुद्धि के बालक नहीं थे। जैसे आप समाज में देखते होंगे कि कुछ बच्चों को ना तो पागल कहा जा सकता है और ना ही बहुत बड़ा बुद्धिमान कहा जा सकता है। तो ये होता है, मनुष्यों में विभिन्नता होती है, ऐसा बालक। और फिर क्या हुआ, तरही सहपाठी न कथित, इसीलिए उनके जो सहपाठी बालक थे, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाले जो है, वो कहते थे कि यत यदा ईश्वर है, यत माने यत यदा ईश्वर है बुद्धि विभागम अकरो, कि जब ईश्वर बुद्धिमान रहे थे, क्या कर रहे थे, जब ईश्वर बुद्धि का विभाग कर रहे थे, बांट रहे थे, तदा वरदराज शयनम करोति अस्मि, उस समय वरदराज जी क्या कर रहे थे, वरदराज सो रहे थे। कहने का मतलब है कि जब ईश्वर सबको बुद्धिमान रहे थे तो उस समय ये महोदय क्या कर रहे थे, सो रहे थे, और सोने की वजह से इनको बुद्धि का लाभ नहीं मिला, ऐसा कहते थे उनके साथ के बच्चे। फिर क्या होता है, कालांतरे गुरु निराशो भूत्वा, और कह रहे हैं कुछ समय बाद गुरु निराशो भूत्वा वरदराज कथय, तो कह रहे हैं जब गुरु जी अर्थात भट्टोजी दीक्षित जी जब उनको पढ़ाते पढ़ाते थक गए और उनको कुछ नहीं आया, तो कह रहे हैं निराशो भूत्वा, तो गुरु जी निराश होकर के वरदराज कथय माने इनसे बोले, क्या बोले, कि भवान बहु प्रयत्न अभी ज्ञान ना प्राप्त, कि मैंने भवान माने आप बहुत प्रयास करोगे तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, मतलब मैंने बहुत प्रयास किया आपको पढ़ाने का लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। पठन कार्य लेखन कार्य तो भाग्य नाश, और लिखा है कि पढ़ना और लिखना तुम्हारे भाग्य में क्या है, नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब भाग्य में नहीं है, अधुना स्वगृहे गच्छ, इसलिए तुम कहाँ जाओ, इसलिए तुम कहाँ जाओ, स्वगृहे गच्छ, मतलब आप अपने घर को जाओ और भगवान पितृ कार्य सहाय करो, और क्या करो, वहां जाकर के भगवान माने अपने पितृ माने पिताजी के साथ कार्य में सहायता करो, मतलब जाओ तुम पढ़ने लिखने लायक नहीं हो, जाओ अपने पिताजी की मदद करो, उनके कार्य में मदद करो। अब देखो आगे क्या होता है, गुरु वार्ता सुनकर, गुरु जी की वार्ता को सुन करके वरदराज अतीत दुखित, गुरु जी की वार्ता को सुन करके वरदराज अत्यंत दुखित हो गए, और लिखा है निराशो भूत्वा, और निराश होकर गृह प्रति अगच्छत, कहाँ चले गए, अपने घर को चले गए। मार्गे अचिंतित, और मार्ग में जब घर जा रहे थे तो मार्गे अचिंतित, तो रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, चूंकि बेचारे को ऐसा कह दिया गया कि तुमको पढ़ना लिखना कुछ आने वाला है नहीं, तो एक काम करो तुम अपने घर जाओ, तो इससे क्या होता है कि उनको अंदर अंदर बड़ी ही ग्लानि, तो लिखा है कि अब निराशो भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत, माने निराश होकर के वो कहाँ गए, अपने घर चले गए, और मार्गे अचिंतित लिखा है रास्ते में सोच रहे थे, सोचते सोचते कि किम अहम जीवन पर्यंतम अज्ञान युक्तम अस्थास्य, क्या मैं जीवन पर्यंत या जीवन भर क्या करूंगा, अज्ञान युक्तम अस्थास्य माने कि हम अज्ञानी ही रहेंगे, क्या मैं संपूर्ण जीवन भर अज्ञान से युक्त नहीं होगा, मतलब अज्ञान से युक्त ही रहूंगा अर्थात मुझे ज्ञान नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, मार्गे त्रिषितो भूत्वा, रास्ते में त्रिषितो भूत्वा, त्रिषितो माने त्रिषा माने होती है संस्कृत में प्यास, तो कह रहे मार्ग में थोड़ा प्यास मतलब प्यास से व्याकुल होकर के ऊपर से समीपन रखना, तो वो कहाँ गए, एक कुएं के पास, आज के जैसा है पाइप और टोटी नहीं रहता था पहले के समय, पहले पानी का साधन जो होता था वो कुआं था, और हर गांव में एक दो कुएं खुदवाए जाते थे गांव के सभी लोगों के द्वारा, और उसी से पूरे गांव भर के लोग पानी पीते थे। तो ऐसे ये भी जो है
कहाँ है, कूपस्य समीपं गतवान, माने कुएं के पास गए जात से व्याकुल होकर के, तत्र कूपस्य देहल्यां घटः स्थापयेन, और कह रहे हैं कि वह कुएं के देहली में है घटः स्थापयेन, गर्तं दृष्ट्वा, जब वो कुएं के अंदर घट को, घट माने घड़ा, घड़े को स्थापित करने के लिए गर्तं दृष्ट्वा मनसि अचिन्त्य यत मृत्तिकाया घट स्थापनेन पाषाणो उपरि गर्तः भवति तर्हि किं परिश्रमेण विद्या प्राप्तुं न शक्यते। अब देखिए आदमी को कहते ना कि कभी कभी आदमी पत्थर से भी सीख लेता, तो यहाँ पर क्या दिखवाया कि जब उन्होंने घट को स्थापित करने के लिए माने कुएं में डालने के लिए जब गए पानी निकालने के लिए, तो दृष्ट्वा तो वहां पर उन्होंने देखा कि देख करके मनस अचिंत्य, तो उन्होंने क्या देखा, ऐसा देख करके उनके मन में चिंता हुई कि जब मिट्टी का घट, मिट्टी का बना हुआ घड़ा स्थापनेन पाषाणे पाषाणों ऊपर, कह रहे हैं कि जब उसको हम पत्थर की तरह कठोर बना करके और गर्तम, और लिखा गर्तम भवति माने उसमें हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से परिश्रमेण विद्या प्राप्त न सकते थे, तो निश्चित रूप से हम परिश्रम करके विद्या के रूप प्राप्त कर सकते। कहने का मतलब है कि जब हम मिट्टी को एक घड़े का रूप दे करके उसको पका करके उसको कठोर बना करके और उसमें घड़े के पानी मतलब उसमें हम पानी निकाल सकते हैं कुएं से, तो फिर ऐसा परिश्रम करने से विद्या प्राप्त न सकते, तो फिर मनुष्य परिश्रम करके विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात निश्चित रूप से कर सकता है। फिर आगे देखिए क्या हुआ, लिखा है अतः इसलिए सह गुरु समीपम आगत्य, इसलिए वह फिर से गुरु जी के समीप आकर के संकल्पम कृत्वा, उन्होंने क्या किया संकल्प लिया। अब के मतलब वही कहते हैं ना कि आदमी जब मन से कोई कार्य करता है तो बड़ा बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता है, और जब बिना मन का कार्य करता है तब वो बहुत आसान कार्य भी उसको कठिन लगता है। तो और सीख किसी से मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि हम आपके गुरु हैं तो हम इसे सीख मिलेगी, सीख आप रास्ते में गिरे हुए एक पत्थर के टुकड़े से ले सकते हैं, तो वैसे इनको भी सीख मिली। तो वो गुरु जी के समीप लिखा है आता है इसलिए सर गुरु समीप आगत्य, इसलिए वह गुरु जी के पास जा करके संकल्पम कृत्वा, क्या किए संकल्प किए, संकल्प करके कि पठन क्रियायाम संलग्नो अभवत्। क्या हुआ कि पढ़ने पठन क्रिया माने पढ़ने लिखने में एकदम मन से संलग्न हो गए और निरंतर निरंतर यत्नशीलत्वेन, और कह रहे लगातार प्रयत्न करते 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 वरदराज पंडित हो, वरदराज क्या हो गए पंडित हो गए, बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के विद्वान हो गए। और क्या हुआ पाणिनी व्याकरणम प्रवेशाय, देखिए लिखा भी है कि महर्षि पाणिनी के व्याकरण के अंदर प्रवेश कर गए, इतने बड़े विद्वान हो गए कि महर्षि पाणिनी का जो संस्कृत व्याकरण है उसके अंदर का मतलब उसका इतना डीपली इतना गहन अध्ययन इन्होंने किया कि उसके अंदर प्रवेश करके सुको लिखा है सुकोमल मति नाम बालका नाम बोधाय लघ सिद्धांत कौमुदी नामकम ग्रंथ में अरचयत, और कह रहे हैं कि सुकोमल मति और उसके अंदर अवमत माने बुद्धि होती है, और कैसी बुद्धि सुकोमल, सुकोमल माने ऐसी बुद्धि जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालकों बालका नाम बोधाय माने बालकों को पढ़ने के लिए लघ सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ अरचयत, अरचयत माने रचा लिखा, तो इन्होंने क्या किया कि लघ सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ लिखा। ऐसी संस्कृत में अनेकों कहावतें हैं, आप कालिदास का नाम ले लीजिए कि क्या थे बचपन में महामूर्ख, लेकिन बाद में उनको काली जी की कृपा से या भाग्यवश जैसे भी उनको ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक आज विश्व में प्रसिद्ध है, वैसा कोई नाटक नहीं। तो हमारे कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना समझे कि हम ये कार्य नहीं कर सकते,
जब आपको प्रेरणा मिल जाए, जब आपका मन किसी चीज की तरफ रुझान पाले, तभी जान लीजिए कि आपका आपका जीवन समर सकता है। जैसे इस बालक कि इसने इसने मन बना लिया कि अब मुझे पढ़ना ही है। जब तक इनके गुरुजी इनको पढ़ाते थे तब तक इनका मन पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन जब गुरुजी ने इनको भेज दिया कि जाओ तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुमको पढ़ना नहीं आए, अब घर भेज दिया, तो इनको ग्लानी हुई, अंदर से ठेस पहुंचा, यानी इतने लोगों के बीच में गुरुजी ने पढ़ने के लिए हमारा हमको ऐसा कह दिया। बाद में दोबारा जाते हैं, लेकिन दोबारा पढ़ने की ऐसी भूख इनके अंदर थी कि बहुत बड़े संस्कृत के संस्कृत व्याकरण के विद्वान हो गए और इन्होंने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ आज भी हम लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय छंद इन्हीं की किताब से इन्हीं इसी लिखी हुई पुस्तक जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ने इसी से पढ़ते हैं भरतराज की। तो बच्चों आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। लिखा है कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानां और लिखा है बालानां च उपकारिका कृत्वा भरतराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। देखिए लिखा है शास्त्रांतरे, लिखा है शास्त्रांतरे प्रविष्टानां, अंतर माने अंदर, मतलब शास्त्र के अंदर प्रवेश करके। और लिखा है बालानां च कि बालकों के लिए, सभी छात्रों के लिए उपकार, मतलब क्या है कि इतना बढ़िया उपकार किया इन्होंने, अगर छात्रों के लिए क्या लिखा ग्रंथ लिखा तो ये क्या है। और लिखा कृत्वा भरत राजे, ऐसा कार्य करने वाले, कृत्वा क्रीधात में अथवा प्रत्यय लग गया जिसका अर्थ होता है करके, तो कृत्वा भरत राजे मतलब क्या है कि भरत राज जी के द्वारा ऐसा कार्य करके सिद्धांत कौमुदी की रचना जैसा महान कार्य करके बहुत बड़ा छात्रों के लिए पाठकों के लिए उपकार का कार्य किया गया। कैसा बालक किया, जो पैदाइशी बचपन से ही मंद बुद्धि का बालक। तो आज का ये अभ्यास ही समाप्त होता है और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये पीछे शब्दार्थ दिए, क्या दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इस शब्दार्थ को अपने जो क्लास वर्क की कॉपी है उसपे तीन इससे दो पालन बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द दूसरी तरफ हिंदी में उसका शब्दार्थ, इतना आप लिखें। फिर इसके बाद जब मैं कल अगला क्लास करूंगा तो इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, कुछ आपके लिए और कुछ मेरे लिए, जो मैं लिखवाऊंगा उसको आपको लिखना होगा और जो बताऊंगा उसको होमवर्क की कॉपी पर आपको करना होगा। तो शेष जब कल अगला क्लास करूंगा तो फिर आगे इसको